अल्बर्ट आइंस्टाइन के बारे में कौन नहीं जानता है, पर बहुत कम लोग ये बात को जानते हैं कि उनको राष्ट्रपति बनने का एक ऑफर आया था। मेरा नाम है विनय, आपका शॉर्टकट में बहुत बहुत स्वागत है। ये बात है आपके सेकेंड वर्ल्ड वॉर की, 18 नवंबर 1952 की, जब इसराइल के डेविड गोयतन ने उनको ऑफर किया था कि यहूदियों के लिए, कि वो क्योंकि अल्बर्ट आइंस्टाइन खुद एक यहूदी परिवार से थे, तो उनका ये मानना था कि यहूदी यहाँ का राष्ट्रपति बने, और उस समय अल्बर्ट आइंस्टाइन का बहुत बड़ा नाम था, तो उनको ये ऑफर दिया गया था और अमेरिका से भी ये रिक्वेस्ट करी गई थी कि ये वो ऑफर को एक्सेप्ट करे, और उन्होंने मना कर दिया। उन्होंने कहा मैं जिस चीज़ के लिए बना हूँ मुझे विज्ञान की दुनिया में रहने दो। थैंक यू सो मच।